सो गाइस OnePlus 7 Pro आ गया है हमारे पास में, और भाई 3 महीने लेट है लेकिन फिर भी आज जो है मैं इस वीडियो के अंदर OnePlus 7 Pro पे शिफ्ट करने वाला हूँ फाइनली। और जैसे कि आप देख सकते हो ये मेरे पास नेबुला ब्लू कलर है, और भाई ये क्या मस्त कलर लग रहा है यार सच में ऑन कैमरा। तो पिछले 3 महीनों से यार मैं यूज़ कर रहा हूँ Huawei का P30 Pro, एंड यार ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग स्मार्टफोन है, कैमरा से लेके हर एक एस्पेक्ट इस स्मार्टफोन का बहुत अमेजिंग। और सच बताओ मेरे को कोई भी नीड नहीं लगी थी इस फ़ोन को यूज़ करते हुए कि मेरे को एक नया स्मार्टफोन चाहिए सच बताऊँ, लेकिन जब मैंने OnePlus 7 Pro को इस्तेमाल किया तो लगा भाई ये स्मार्टफोन को भी एक ट्राई देना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर जो डिस्प्ले है वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है, और साथ ही साथ कुछ और चीज़ें जो कि इस फोन को सेट अपार्ट करती हैं Huawei P30 Pro से। तो यार ऐसा कुछ नहीं, मैं कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा, लेकिन मैं अपने P30 Pro से OnePlus 7 Pro पे शिफ्ट करने जा रहा हूं, और ऐसे स्विच करता रहूंगा यार। लेकिन OnePlus 7 Pro को यार एक शॉट देना तो बनता ही है, और देखना तो बनता है कि क्या इस स्मार्टफोन के अंदर मस्त है, क्योंकि ये जो OnePlus 7 है काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग बनाया है OnePlus कंपनी ने, एंड बेसिकली अभी OnePlus 7 T भी काफ़ी जल्दी आ सकता है। तो 7 Pro को एक तरीके से मैं शिफ्ट करके देखना चाहता हूँ, और फिर आप लोग बताऊँगा एक मेरा ओपिनियन आफ्टर यूजिंग इट फॉर कपल ऑफ वीक्स, तो वो चीज़ के लिए भी आप लोग वेट करना। बट यार अभी मेरी जो सिम है मेन वाली वो इसके अंदर है, और मैं फटाफट से उस सिम को निकाल लेता हूँ और इस स्मार्टफोन के अंदर डाल लेता हूँ, और फिर हम लोग चेक करेंगे कि ये स्मार्टफोन कैसा है। लेकिन अभी जैसे कि आप देख सकते हो यार स्क्रीन तो उसकी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, लेकिन मैं आप लोगों को दिखाऊँ तो यहाँ पे मैंने शायद इसका वॉलपेपर में कुछ दिक्कत कर दी थी, लेकिन मैं भी आप लोगों को दिखाता हूँ। जैसे ही देख सकते हो यार क्या अमेजिंग लगता है, ये देखो नहीं मस्त लग रहा। मतलब अभी मेरा कैमरा ऑटो फोकस पे नहीं है, बट स्टिल आप जैसे देख सकते हो यार जो वॉलपेपर है इस फोन के अंदर काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग दिए गए हैं, और जो ये फुल स्क्रीन डिस्प्ले है 90Hz की यार सच बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। स्मार्टफोन है तो स्नैपड्रैगन 855 से पावर्ड, बट जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है ना वो वेरी करती है, बिकॉज जो डिस्प्ले उसकी रिफ्रेश रेट बहुत ज़्यादा है, तो उससे क्या होता है जो आप लोग के स्क्रीन के ऊपर एक तरीके से जो भी काम हो रहा है काफ़ी ज़्यादा क्विक रहता है, तो उसे हमें ये लगता है कि फोन जो है ना कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा फास्ट है। तो यार ये मुझे लगता है OnePlus ने काफ़ी सही करा है। तो गाइस अब फटाफट से इसके अंदर चेक कर लेता हूँ मैं इसके बॉक्स के अंदर कि मेरे को वो जो सिम इंजेक्शन टूल है वो मिलता है, सिम इजेक्शन टूल, तो बेसिकली ये रहा सिम इंजेक्शन टूल गाइस, जैसे देख सकते हो इधर इसकी बुकलेट के अंदर। तो गो बियॉन्ड भाई ये कुछ है इसमें, गाइस गो बियॉन्ड स्पीड, वाह 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 ये सही चीज़ है यार, उत्तरी भाई फ़ोन की पूरी स्पेसिफिकेशन दे रखी है और हर एक चीज़ दे रखी है बिल्कुल मस्त तरीके से। तो यूज़र मैनुअल है ये, तो अगर आप लोग फ़ोन पहली बार देख रहे हो लाइक चला रहे हो OnePlus का कोई, तो ये आप लोग को तो यूज़ करनी ही करनी चाहिए। किसको क्या पता आप लोग को फ़ोन के बारे में कुछ ना पता चले, और इसको पढ़ के आपको पता चले कि आपका फ़ोन ये भी कर सकता है, तो वो बात अमेजिंग रहेगी। और ये मैंने यहाँ पे फालतू में फैला लिया है अपना काम, लेकिन फिर भी हम लोग स्टिल इसको सफाई कर लेंगे। एंड गाइस आई जस्ट रियलाइज कि OnePlus के भी हमारे को स्टिकर देखने को मिलते हैं, और एक कवर भी है जिसे हमें यूज़ नहीं करना है। हमारे को जो मेन चीज़ चाहिए थी वो रही मेरे हाथ में, अगर आप लोगों को दिख रही होगी ये रही सिम इंजेक्शन टूल इजेक्शन, तो बेसिकली ये रहा हुआ है P30 Pro। इसके निकालता हूँ सिम यहाँ से मैं, ठीक है ना, ये खोला इसके अंदर सिम है हमारी, ये निकालते हैं, और ये OnePlus 7 Pro का भी नीचे से है, 7 Pro का ही सेरा हाथ में देख सकते हो, इसको भी यहाँ से खोलते हैं, ये इधर ये निकाला इसकी ट्रे गाइस, ये रहा मेरा सिम कार्ड है ना, दिख रहा है ना आप लोगों को, और ये OnePlus 7 Pro की ट्रे है ब्लू कलर की है ना, तो अब इसको अब मैं तो कंफ्यूज हो गया यार, हाँ ये 7 Pro की है। एंड गाइस OnePlus 7 Pro की जो ये है इसके अंदर आप लोगों को थोड़ी बहुत वो भी देखने को मिलती है साइड में कवरिंग फॉर द वाटर, तो बेसिकली जो गैस किट होती है ना वाटर के लिए जो लगाते हैं वो भी है इसके अंदर। तो बेसिकली गाइस मैं वापस पुट कर रहा हूँ इसको हमारे OnePlus 7 Pro के अंदर, एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस, मतलब कुछ होगा तो नहीं, लेकिन मुझे अपना फ़ोन जो है उसे रीस्टार्ट करना है, तो इसे रीस्टार्ट कर लेते हैं फटाक से रीस्टार्टिंग। तो बेसिकली अब मैंने इसको रीस्टार्ट कर लिया है हमारा OnePlus 7 Pro, एंड गाइस यार फ़ोन मस्त है यार, काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। मैं बार बार डिस्प्ले में देख रहा हूँ, कैमरे की लेंस में नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि यार फोन मतलब कैमरा ऑन कैमरा तो कुछ ज़्यादा ही अलग तरीके से इस पर लाइट हिट करिए तो जो लेंस एंड कैमरा है अलग तरीके से कैप्चर करें, जैसे देखते हो ये देखो ये देखो ये मेरे को आंखों से नहीं दिख रहा, लेकिन ये कैमरे में ये जो इफेक्ट है ये मेरे को इसमें दिख रहा है। फ़ोन जो हमारा बूट अप हो रहा है देख सकते हो जैसे कि, तो फाइनली यार मैंने शिफ्ट कर लिया है अपना P30 Pro से OnePlus 7 Pro पे। यार Huawei का जो स्मार्टफोन है वो काफ़ी ज़्यादा मस्त है यार सच बता रहा हूँ भाई, ये फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ मैं काफ़ी मज़ा आ रहा है, लेकिन अभी थोड़े दिन हम OnePlus 7 Pro यूज़ करते हैं फिर देखते हैं ये कैसा है, क्योंकि ये तो भाई है ही अमेजिंग,
क्योंकि वन प्लस तो आप लोगों को पता है क्या बढ़िया, और एक वन प्लस की काफ़ी ज़्यादा अच्छी एक वीडियो मैं आप लोगों के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, वो काफ़ी जल्दी आने वाली है, काफ़ी जल्दी क्या कल ही सुबह उसको मैं डाल दूंगा होपफुली कल सुबह या दिन तक। तो एक ब्लॉग स्टाइल है, और आप लोगों को अगर सर्विस सेंटर के बारे में कुछ भी जानकारी चाहिए, वन प्लस सेवन के प्रो के बारे में, सेवन के बारे में, या कोई भी वन प्लस की डिवाइस के बारे में, तो आप लोग वो वीडियो ज़रूर देखना। आप लोगों को हर एक चीज़ के बारे में पता चलेगा, हर एक पार्ट की प्राइस के बारे में पता चलेगा कि हर एक पार्ट प्राइस क्या करता है, और काफ़ी सारी चीज़ें जो कि आप लोगों को पता रहनी चाहिए। तो बस यार ये है मेरा वन प्लस सेवन प्रो, अब मैं इसमें शिफ्ट कर चुका हूँ, और अब देखते हैं कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहता है, और मैं आप लोगों को इंस्टाग्राम पर अपडेट करता रहूँगा। तो उसके लिए फॉलो कर लो यार, और फटाफट से 2 लाख सब्सक्राइबर बचाओ, क्योंकि हम लोग उसके लिए बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। और अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। मिलता हूँ आपसे एक और ऐसी वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।